हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लग्जरी स्टे इन टाइम विद स्टे डिफेंस और ट्रैवल। और आज है हम बैंगलोर एयरपोर्ट के पास की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी ताज बैंगलोर में। जो रीजन है मैंने ये प्रॉपर्टी चूज की है इज बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर और ईज ऑफ ट्रैवलिंग। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ के रेस्टोरेंट्स, वेरियस रूम कैटेगरीज। हमने बुक किया था ताज क्लब रूम जो कि रूम्स की हाइस्ट कैटेगरी है, बट फिर भी हमें अपग्रेड दिया गया एक स्वीट में, तो आपको मिलेगा इस स्वीट का रूम टूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइसेस, किस रेंज से किस रेंज तक जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूम कैटेगरीज एंड स्वीट्स, एंड कैसे आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम फैसिलिटीज इन लोएस्ट प्राइस। सो इन सब चीजों को जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। लग्जरी जब हम चैनल्स पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे अफोर्डेबल सेगमेंट में है ही नहीं, जबकि मैं इतने टाइम से लग्जरी होटल्स ट्रैवल कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है कि होटल्स भी काफ़ी ट्राई करते हैं कि उनके जो लोएस्ट रूम कैटेगरी के रेट्स हों वो 4000 से 5000 6000 तक हों। इनफैक्ट अगर आप मेजर मेगा सिटीज़ की बात करोगे तो वहाँ पर तो 2000 3000 भी होते हैं। मैं इस होटल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो रेट स्टार्ट होते हैं वो 7000 से लेके, और इस समय पैंडेमिक के टाइम 7000 से लेके 18000 के बीच में है डिपेंडिंग ऑन द रूम कैटेगरीज। तो बेसिकली तीन रूम कैटेगरीज हैं, लग्जरी रूम, डीलक्स रूम एंड ताज क्लब रूम। जो ताज क्लब रूम है वो हमने बुक किया हुआ था, और ताज क्लब रूम बुक करने की वजह से हमें नेक्स्ट कैटेगरी में अपग्रेड मिला जो कि स्वीट कैटेगरी। बेडरूम एरिया, ये सेक्शन रिसेम्बल करता है कि इन्होंने कितना ज्यादा फोकस किया हुआ है आपके कंफर्ट जोन पे। अगर आप इसको टच कर पाते और फील ले पाते जो मैं फील ले पा रहा हूं, तो आपको समझ में आता है कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल बेड है। यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे इन्होंने एक अलार्म क्लॉक रख रखी है विच इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल अलार्म क्लॉक। पानी वगैरह दो बॉटल्स यहाँ पे, दो बॉटल्स वहाँ पे। यहाँ पे एक काउच लगा रखा है और प्रॉपर सीटिंग। बाहर व्यू कुछ खास है नहीं, बट फिर भी मैं ये कहूँगा एयरपोर्ट के इतना नज़दीक है इसलिए आपको फ्लाइट्स जो हैं वो आते जाते दिख जाएंगे, एयरक्राफ्ट जो हैं वो लैंड करते हुए दिख जाएंगे और टेक ऑफ करते हुए भी दिख जाएंगे। सामने कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाथरूम की तरफ, बिकॉज बेडरूम में कुछ खास बहुत ज़्यादा है नहीं। एक चीज़ हाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ये कॉपर ग्लास। बॉटल्स काफ़ी इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है यहाँ पे, और ये क्लोजेट है, बट क्योंकि ये खाली है इसीलिए मैंने आपसे कुछ कहा कि यहाँ पे कुछ इन्होंने ज़्यादा प्लेस किया हुआ नहीं। आइए आपको लेके चलता हूँ बाथरूम की तरफ। बेसिकली जो हमारा बाथरूम है वो प्रॉपर दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, लगेगा आपको एक ही पूरा। ये है हमारी टॉयलेट सीट, इसके लिए इन्होंने पूरा एक अलग सेक्शन सा दे रखा है। और ये है आपका शावर सेक्शन, और जो हमारी टॉयलेटरीज इन्होंने दे रखी हैं वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इन्होंने फॉरेस्ट एसेंशियल्स की टॉयलेटरीज यूज़ की हैं, हेयर शैम्पू और बॉडी वॉशर। आप अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। आते हैं सेक्शन पर, अ वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन, देख के ही दिल खुश हो जाएगा आपका। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज द व्यू फ्रॉम द बाथटब।
आप बाहर पे अपना टाइम भी एंजॉय कर रहे हो और बाहर आपको व्यू भी मिलता है। दो बेसेंस इन्होंने दे रखे हैं, तो अगर आप तीन लोग भी रुकते हो इनकेस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीपल कमिंग इन यूज़। दो लोग हो तब तो कोई और प्रॉब्लम ही नहीं, बट स्टिल इफ यू प्लान फॉर थ्री पीपल टू कम देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। होटल काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है और उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। ट्रैवल किट उसको खोलते हैं, बट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो इन्होंने रखी हुई है, सैनिटाइज़र। और सैनिटाइज़र तो आपके पास होना ही चाहिए, विच इज़ नाउ मस्ट कैरी एक्सेसरी दीज डेज। ये हमारा ट्रैवल स्मार्ट बुटीक एडवांस्ड आयुर्वेदा, मुझे एक किट काफ़ी इम्प्रेसिव लगी तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी वो करी जाए अनबॉक्सिंग टाइप, आपको भी थोड़ा सा फील आ जाएगा एक लग्जरी चैनल पे अनबॉक्सिंग का। ये देख सकते हो आप ग्लव्स इन्होंने दिए हुए हैं और लेटेक्स ग्लव्स के अलावा एक मास्क। ये क्या है हमारे पास, बायो लेमन इंस्टेंट हैंड सैनिटाइज़र, तो ये भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है तो इसको अपने बैग में डाल के रखिए। और ये फाइनली हमारे पास सैनिटाइजिंग वाइप्स फ्रेशमेंट, ये कारा वाइप्स की तरह ही लग रहा है मुझे, बट दिस इज ऑल्सो तो काफ़ी अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वी आर हियर फॉर आवर कॉकटेल आवर्स। हमारे पैकेज में कॉकटेल आवर्स इंक्लूडेड थे और इनके पास कोई भी कॉकटेल आवर्स जब होते हैं हमारे तो उसमें फिक्स मेन्यू होता है, तो स्टार्टर्स में इनका मेन्यू है तो उसमें हम दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हमने वेजिटेबल फिस्टो मिस्टो और पोटोहारी पनीर टिक्का मंगाया है। ड्रिंक्स में आप अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मेनली इंडियन इम्पोर्टेड ड्रिंक्स ही अलाउड होते हैं। तो आप चाहो तो कोई मॉकटेल वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो विस्की ऑर्डर कर सकते हो एंड अनलिमिटेड होता है। यहाँ पे कॉकटेल आज चलते हैं 6 PM to 8 PM, तो ड्रिंक्स आती हैं और खाना आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ एंड एन्जॉय दैट विद मी। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि शेफ़ ने आउट ऑफ द मेन्यू हमारे लिए एक मॉकटेल प्रिपेयर की विच वॉज़ वेरी टेस्टी एंड थम्स अप टू द शेफ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कोई भी नहीं है इस समय, ऑलमोस्ट रात का 1 बज रहा है और हम लोग इस टाइम इसलिए डिनर पे आए हुए हैं बिकॉज पूरे दिन शूट वगैरह और इन सब चीज़ों में काफ़ी बिजी रहे एंड ऐसे ही चल रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बार स्विच करके दिखा देता हूँ बैक कैमरा। दिस इज इटालियन चीजी ब्रेड विद पाव भाजी, दिस इज डीप फ्राइड कॉलीफ्लावर इन साउथ इंडियन स्टाइल और ये हमें साथ में मिला है चीजी डिप। खाते खाते मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि जितना भी हमने ये खाना खा रहे हैं ये सारा का सारा हमारे पैकेज में है, तो इस डिशेज एक्सपेंसिव है, 600 के आसपास ऑर्डिनरली डिशेज हैं, बट एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। दिस इज़ लाहौरी पनीर, दाल मखनी, सैलड एंड फुलकास। इसके साथ बटर नान भी आती है पोर्शन में लाहौरी पनीर के साथ ऑलरेडी, बट वो हमने अवॉइड कर दी बिकॉज वी वॉन्टेड टू ईट फुलकास। We are actually enjoying the desserts और मैं इस चॉकलेट बॉल को खोलने की कोशिश करूँ बट आई बिलीव इसको डायरेक्टली ही कंज्यूम करना चाहिए। बस जस्ट मैं साथ फ्लेवर नहीं देखे बिकॉज दोनों ही पोल्स अपार्ट टेस्ट में। इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग टुडे एंड वी आर हियर एट कैफे 77 East फॉर अ ब्रेकफास्ट और ये है आउटसाइड सीटिंग एरिया, तो अंदर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड इसके बाद मैं आपको बाकी रेस्टोरेंट्स भी दिखा देता हूँ विच आर अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड और साथ में कुछ अदर होटल एमिनिटीज़।
दिस इज़ द सेकेंड रेस्टोरेंट टैमरिन, एन इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट विच इज़ क्लोज्ड, और इसके ठीक सामने इनका जापानीज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट सोई साके विच इज़ ओपन फॉर लंच एंड डिनर। सेकेंडली इनके पास लाउंज है एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक टॉप फ्लोर पे विच आर क्लोज ड्यू टू रेनोवेशन। Now let me show you a lower room category. Hotel ने solo traveling ladies को ध्यान में रखकर design किया है, as it comes with an added security feature of video intercom, so that room के बाहर कौन है वो आप देख सकें without opening the door. This one is an airport view room. Bathroom में bathtub नहीं आता है, as it's a two fixture bathroom. मैं अगर आपसे बात करूं पैकेजेस की, तो हमने यहाँ पे एक पैकेज लिया हुआ था, बिकॉज पैकेजेस लेना काफ़ी आसान रहता है। इस पैकेज में हमको मिला था डिनर, इंक्लूडेड था, लग्जरी कॉम्प्लीमेंट्री आवर्स थे 6 PM to 8 PM, और उसमें आप अनलिमिटेड इंडियन मैन्युफैक्चर्ड इंडियन इंपोर्टेड ड्रिंक्स थी, इंडियन ड्रिंक्स जो इंडिया में बनी हुई हो हार्ड लिकर में, आप उनको ले सकते हो। मैं आपको एक बार बुकिंग प्रोसेस दिखा देता हूँ। सो सबसे ईजीएस्ट वे है ताज बैंगलोर की वेबसाइट पे जाके इसको बुक करना, बाकी आपको नीचे थर्ड पार्टी जो और वेबसाइट्स हैं, ट्रैवल वेबसाइट्स, वो आपको क्या रेट्स देती हैं उसका भी आपको आइडिया ले लेना चाहिए। बट यहाँ पे हम सबसे ईजीएस्ट वे पे चलते हैं, तो ये ताज बैंगलोर की वेबसाइट है और यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं और आपको पैकेजेस और इनके क्या एमिनिटीज़ है वो भी देखने को मिलेंगी। तो बुक करने के लिए हम एक रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट हमें सारी रूम कैटेगरीज़ के प्राइसेज़ वगैरह देखने में समझ में आ जाए। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको ताज क्लब रूम बुक करा के दिखा देता हूँ जो हमने बुक किया था, और उसके रेट्स आपको विजिबल हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर ये लोग क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कि रूम के साथ इन्होंने कोई पैकेजेस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर दिख जाती हैं इफ़ अवेलेबल हैं। बट मैं फिर भी आपको कहूँगा कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ पैकेजेस डिज़ाइन करके देती हैं सो दैट वो कस्टमर्स को बेटर अट्रैक्ट कर सकें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पैकेज वेबसाइट पे दिखे, कई बार कुछ पैकेजेस हमको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे दिख जाते हैं रादर देन होटल की अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हो कि किस चीज़ के कितने प्राइसेज हैं और टैक्सेस एंड फीस वगैरह क्या है, एंड फाइनली यू कैन बुक अकॉर्डिंगली। एक चीज़ जो मैं इंक्लूड करना भूल गया वो है ये, और यहाँ पे ऐसा पेडिक्योर यूज़ कर सकते हैं, मैं फीलिंग हॉट वाटर इन दिस, और आराम से रिलैक्स होइए, एक फुट मसाज लीजिए। मेनली बहुत बार क्या होता ही है कि आप ट्रैवल करके आते हो और अगर आपको कुछ ऐसी रिलैक्सिंग थेरेपी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा काम करती है। बट ओवरऑल मैं ये आपसे सजेशन चाहूँगा, बिकॉज ऐसा नहीं है मैं वीडियो को मोनोटोनस बनाना चाहता हूँ, बट रीज़न ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो मेरा फोकस कंटेंट पे ज़्यादा है। बट स्टिल अगर आपको लगता है इसको और फन बनाया जा सकता है बाई इंक्लूडिंग सम मोर पीपल, या फिर मेरी कुछ और एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो सकती हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिजनेस होटल्स में कैसे होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लेजर होटल, इट्स अ बिजनेस होटल, और जब हम रिजॉर्ट्स में जाते हैं तो बात अलग होती है। बट ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको ऑलरेडी मिथ्स हैं लग्जरी के बारे में, और जो कभी जिनका प्लान है बैंगलोर आने का और वो बैंगलोर एयरपोर्ट के पास स्टे करना चाहते हैं। सेकेंडली प्लीज़ डू ड्रॉप इन योर वैल्यूएबल कमेंट्स, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।